सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये डांस, ये मस्ती कहाँ हो रही है, तो देखते जाइए। आपका मिशी के चैनल पर स्वागत है। ये मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी है आज, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है। वेलकम टू मिशीज ब्लॉग। और आज हम हेवंस आए हैं। मैं भी नहीं जानती कि हम लोग आज कहाँ आने थे। इन्होंने पहले से ही यहाँ डिनर के लिए बुक करा दिया था, सब कुछ अरेंजमेंट पहले ही करा रखा है। तो हम लोग यहाँ चलते हैं, कैसा है ये? और इसकी एंट्री तो बहुत घासू और थोड़ी डरावनी है। तो हम चलते हैं, हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं। आज मेरा बर्थडे है, सो हम यहाँ आए हैं आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो हम आ गए हैं हेवन में। तो मैं आपको यहाँ कैसा, मतलब फर्स्ट बार आए हैं हम लोग, तो कैसा लगा हम लोग को ये हेवन में, सब आपको यहाँ का एक्सपीरियंस बताऊंगी। हम लोग, ठंड थी इसलिए रूफ टॉप पे नहीं बैठे, अंदर ही हम लोगों ने अपना टेबल बुक कराया है। ये मेरा केक आ गया है। हाँ, सो स्वीट, बहुत ही अच्छा सरप्राइज। आई एम वेरी हैप्पी। एंड अब हम लोग केक कट कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी। मुझे बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था जब केक कट रहा था। और केक भी बहुत टेस्टी था, क्योंकि इसका जो फ्लेवर था वो चॉकलेटी था, और ये मेरा मनपसंद फ्लेवर है। तो ये सबको ही पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये फ्लेवर, देखो। और ये जो नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए हेवन में, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें ये कैसा लगा। अगर आप अपनी फैमिली को बाहर ले जाना चाहते हैं तो बताते हैं ये कैसा है। सो यहाँ पर मतलब आ चुका है हम लोग का, जो भी यहाँ पर आता है स्टार्टर वगैरह, जो भी मिलता है खाना वाना, जो सब स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। यहाँ सर्विंग अच्छी थी और खाना भी टेस्टी था। और वैसे तो मतलब क्या था कि आप मतलब अपनी फैमिली के साथ ऐसे डिनर करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हेवन बहुत बेस्ट है। हम लोग का खाना पीना भी चल रहा था, और हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम कर पूरा देख रहे थे कि हेवन कैसा है। फिर हम लोग ना थोड़ा बाहर की तरफ, रूफ टॉप की तरफ आए। सो यहाँ पर भी एकदम अच्छा लग रहा था हमको, यह एकदम देखने में बिल्कुल 360 जैसा लग रहा है ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इस तरह के होटल्स होते हैं ना, जो भी होते हैं, ये एक जैसे ही होते हैं रूफ टॉप तो ऑलमोस्ट, क्योंकि वही नज़ारा देखिएगा बाहर का। यहाँ पर एक स्टूडियो करके है, वो पूरा मतलब टोटली 360 जैसा ही है। उसमें भी हम पहले आ चुके हैं, ये एक मॉल में है, ये इसी मॉल में, मतलब नीचे फ्लोर पे, शायद ऊपर वाले फ्लोर पे है। जब भी आप कभी आए ना यहाँ, तो आप यहाँ बाहर की तरफ बैठे हैं इस तरीके से, देखो तो और भी अच्छा मज़ा आएगा। क्योंकि अंदर क्या है कि ना, मज़ा तो बहुत आया, खाना बहुत टेस्टी है और ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट अंदर क्या थोड़ा सा जी घुट रहा था मेरा। तो देखो आप अंदर किस तरह से होता है। अंदर क्या है कि मतलब ठंड के चक्कर में हम लोगों ने अंदर टेबल बुक करी अपनी, तो इससे ज़्यादा अच्छा मुझे बाहर लगा। सो अब डांस करते हैं। हेवन का जो डांस स्टेज था ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, और यही इसमें आज का स्पेशल है। तो आप देखिएगा और एंजॉय कीजिए। Yeah.
सो ओवरऑल ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी बर्थडे पार्टी थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर आकर। और इन्होंने तो इतना अच्छा डांस किया कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि इनको डांस का बहुत शौक भी है। तो अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। ओवरऑल ये हेवन ठीक लगा, अच्छा था। अब आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये हमारी बर्थडे पार्टी कैसी लगी। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सर्दी के टाइम में वीडियो कम बना रहे हैं क्योंकि बाहर जा नहीं रहे हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा हम लोग फिर से अच्छे अच्छी जगह जाकर आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।